हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे टायर चेंजर का कॉन्सेप्ट। टायर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ व्हीकल बिकॉज दे मस्ट सस्टेन द वेट ऑफ अ लोडेड व्हीकल एंड प्रोवाइड मैक्सिमम सेफ्टी। फॉर सेफ ऑपरेशन, करेक्ट एंड सिस्टमेटिक टायर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। ओल्ड एंड डैमेज टायर्स मस्ट बी चेंज्ड विद न्यू टायर्स। द इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर चेंजिंग द टायर्स आर कॉल्ड टायर चेंजर्स। गाड़ी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टायर, जो सारा का सारा लोड लेता है और सबसे ज़्यादा वियर एंड टीयर भी टायर्स में होता है। तो हमारे को जो टायर्स है उसको हमें जो है ध्यान से रख रखाव करना पड़ता है, और जब टायर पुराना हो जाता है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम टायर चेंजर का इस्तेमाल करते हैं। टायर चेंजर एक स्पेशल काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे जो है हम टायर को रिम से रिमूव करके और एक नया टायर उस पर लगा देते हैं। तो हमारे जो टायर्स हैं वो दो टाइप के टायर चेंजर हैं हमारे पास। एक है मैकेनिकल, जिसे कि लीवर टाइप भी बोल दिया जाता है, जो कि अक्सर ही हमारे को पेट्रोल पंप्स पे या जो टायर का पंक्चर लगाते हैं वहाँ पे इजीली देखने को मिल जाता है। दूसरा होता है मैनुअल में ही, बट वो ऑपरेशन उसका हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होगा। उसमें सेमी टायर चेंजर कॉन्सेप्ट है, उसमें मैकेनिकल पावर भी लगानी पड़ती है और कुछ पावर जो है वो एक सॉर्ट ऑफ मशीन से भी लगाई जा सकती है। और एक हमारे पास होता है ऑटोमेटिक टाइप टायर चेंजर। ऑटोमेटिक टाइप टायर चेंजर में सारा का सारा काम जो है मशीन करती है, हमें जो है सिर्फ टायर को उसके ऊपर माउंट करना है मशीन के ऊपर, और उसके बाद सारा काम जो है मशीन खुद ही जो है टायर को रिमूव कर देगी रिम से। इस तरह का कुछ लीवर टाइप हमारे पास टायर चेंजर होता है, जिसके अंदर ये जो पोर्शन है जो रिम के साथ टायर का लगा होता है, इसे बोलते हैं हम बीड। ये एक ऐसा पोर्शन है जो उसके साथ लगा हुआ है और इसको हमें टायर के रिम से रिमूव करना होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम बार होता है हमारा, जिसको हम हिंदी में अक्सर छैनी भी बोल देते हैं, एक लंबा सा बार होगा और एक दूसरा बार होगा जिसके आगे इस तरह से थोड़ा सा मुड़ा रहेगा, जैसे कि एक चम्मच रहता है वैसे कुछ थोड़ा सा आगे से चौड़ा और थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो इन दोनों टूल्स की मदद से, इसकी और इसकी मदद से जो है हम ये टायर को, इसकी बीड को इसके रिम से जो है हम अलग कर देते हैं। तो आइए देखते हैं ये आगे आगे कैसे चलता है। सबसे पहला हमारा काम होता है टायर को डीफ्लेट करना, उसकी हवा को अच्छे से पूरे से डीफ्लेट कर देना, निकाल देना, और फिर उसके वॉल्व को, जो स्टेम है जहाँ पे उसका हवा जाने के लिए जो वॉल्व है, उसके पास से वॉल्व को रिमूव करना, उसको अंदर लेके जाना, और फिर हमारा प्रोसेस होगा। हम क्या करेंगे, हम इस बार को इस जगह से डालेंगे और जो दूसरा स्पून टाइप शेप वाला बार है उसकी मदद से उसको जो है टायर को बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद जब एक बारी रिम बाहर आ जाएगा इस तरह से, उसके बाद उसको जो है हम ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे, और फिर उन्हीं दोनों टूल्स की मदद से दूसरी साइड से अच्छे से उसको डालकर और वही स्पून टाइप वाला डाल के हम उसको खींचेंगे और मैकेनिकल पावर लगाएंगे, तो ये जो रिम है ये बाहर आ जाएगा और टायर जो है अलग हो जाएगा। तो इसमें ये देखते हैं मैनुअल टायर चेंजर जो कि लीवर टाइप है, इसका क्या वर्किंग प्रोसीजर है। फर्स्ट, स्क्रू जैक इज यूज्ड टू लिफ्ट द व्हीकल सो दैट द व्हील इज फ्री फ्रॉम ग्राउंड। सबसे पहले हम जो है व्हीकल को लिफ्ट करेंगे ताकि जो टायर्स जो है ग्राउंड पे ना लगे। फिर द व्हील नट्स आर लूजन टू रिमूव द व्हील एंड टायर असेंबली। फिर टायर को नट बोल्ट खोल के उसके जो है रिमूव कर लेंगे। नाउ टायर इज डीफ्लेटेड वाइल कीपिंग द व्हील फ्लैट ऑन द ग्राउंड। फिर सबसे पहला काम हमारा, जब टायर अलग हो जाएगा उसकी हवा को पूरे तरह से डीफ्लेट कर देना। Then tire is hammered so that its bead is free from rim on both side।
हम जो ये टायर है, ये जो रिम है और ये जो उसके ऊपर टायर लगा हुआ है, हम इस पोर्शन में जो बीड के पास है यहाँ पे हैमरिंग करेंगे, जिससे जो ये बीड इसके साथ थोड़ा सा हीट की वजह से चिपक सा गया है या अच्छे से सील्ड है, वो यहाँ से रिमूव हो जाए। देन द टायर लीवर इज प्रेस्ड बिटवीन बीड एंड रिम, अनदर टायर लीवर इज ऑल्सो प्रेस्ड बिटवीन टायर बीड एंड रिम। एक हम टायर लीवर लेंगे और एक दोबारा से एक और टायर, मतलब ये सिंपल वाला और ये स्पून टाइप्स जिसकी शेप होगी ये वो वाला, दोनों को हम लेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर रखेंगे, और दूर रखने के बाद जो है हम उसको बोथ लीवर्स आर प्रेस डाउनवर्ड फ्रॉम फ्री एंड्स, और दोनों को हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ प्रेस करने के बाद जो हमारे को अनदर टायर लीवर इज ऑल्सो प्रेस बिटवीन टायर बीड एंड रिम बट लिटल अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट लीवर, नाउ बोथ लीवर्स आर प्रेस डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ प्रेस किया जाएगा, सो डैट जिससे कि कुछ पोर्शन ऑफ टायर बीड का रिम से बाहर आ जाए। जैसे ही बीड से एक रिम बाहर आ जाए, बीड से रिम से जो टायर बाहर आएगा, तो फर्स्ट लीवर जो होगा उसको हम पुल करेंगे दोबारा से नीचे की तरफ और स्पून वाले को उसके साथ चलाएंगे, जिससे जो है वो टायर पूरा का पूरा धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा करके उसको रोटेट करते जाएंगे और धीरे धीरे करके वो जो टायर है वो बाहर को आता जाएगा। ये हम मैकेनिकल या लीवर टाइप जिसे हम बोल रहे थे मैनुअल, ये इस तरह से एक स्टैंड पे माउंट करके भी किया जा सकता है, या इस तरह का एक स्टैंड होता है इस पे माउंट करके भी, ताकि जो है हमारा एफर्ट थोड़ा सा उसमें कम लगे। इसी तरह से जो है टायर को हम रिमूव कर देते हैं उसके रिम से। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑन ट्यूबलेस टायर्स डू नॉट यूज़ टायर आयरन्स फोर्स द बीड अवे फ्रॉम रिम फ्लैंजेस, दिस कुड डैमेज द रिम सीट्स ऑन द बीड बीड्स एंड कॉज एयर लीक। अगर हमारे पास ट्यूबलेस टायर है तो हम उसको जो है इस तरह के एक मैकेनिकल मशीन पे माउंट करेंगे, जिसके ऊपर इस तरह के दो रोलर्स लगे होंगे, और हम इस रोलर की मदद से, ये लीवर दिया हुआ है, इस लीवर से हम इसको प्रेस करेंगे नीचे को, और ये लीवर को धीरे धीरे साथ में इस तरफ इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो ये व्हील्स की मदद से और ये लीवर की मदद से ये जो है बीड रिमूव हो जाएगी ट्यूबलेस के टायर्स के केस में, क्योंकि ट्यूबलेस टायर में अगर रिम टेढ़ा हो गया यहाँ से कोई लीवर के प्रेशर की वजह से, तो ये यहाँ से एयर लीकेज हो जाएगी। ट्यूब वाले टायर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, बट ट्यूबलेस टायर में हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह का कुछ हमारा जो है लीवर रहता है, जो स्पून शेप टाइप वाला लीवर होता है, कुछ इस तरह का वो लीवर हमारा रहता है, जिससे हम जो है उसको रिमूव करते हैं। इस स्पून की अलग अलग शेप्स हो सकती हैं, अलग अलग टायर्स के लिए, अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए। जो हाइड्रोलिक टायर चेंजर है वो हमारा है, इट यूटिलाइजेस हाइड्रोलिक पावर टू रिमूव द टायर फ्रॉम व्हील। हम इसमें मैकेनिकल पावर की जगह हाइड्रोलिक पावर, हाइड्रोलिक पावर मतलब जो पावर हमें किसी फ्लूइड के प्रेशर से मिल रही है, उसकी मदद से जब हम एक टायर को चेंज करते हैं तो हम उसे बोल देते हैं हाइड्रोलिक पावर। तो अ स्पेसिफिक ऑयल इज यूज्ड एज हाइड्रोलिक फ्लूइड टू ऑपरेट द रैम यूनिट बाय मींस ऑफ हैंडल। हैंडल ऑपरेशन मैनुअल रहेगा, लेकिन उसको प्रेस करने का जो प्रेशर होगा वो हमारे को हाइड्रोलिक फ्लूइड के मदद से मिलेगा। हाइड्रोलिक प्रेशर इज डेवलप्ड बाय हैंडल ऑपरेशन विद फर्दर ऑपरेट लीवर ऑफ द इक्विपमेंट फॉर रिमूविंग द टायर ऑफ द रिम। तो ये जो हमने अभी देखा था यहाँ पे, ये वाली चीज़ जो है हमारे पास, ये हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होगी। इसको हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ऊपर के से जो ऑयल का प्रेशराइज होगा उसकी मदद से ये सारा एफर्ट कम हो जाएगा हमारा, और हमारे को जो है इन दोनों व्हील्स की मदद से
टायर को हम बीड से अलग करके निकाल पाएंगे। तो इसके स्पेसिफिकेशंस कैसे होंगे? इसके स्पेसिफिकेशंस होंगे ओवरऑल लेंथ ऑफ टायर चेंजर, विड्थ ऑफ टायर चेंजर, हाइट ऑफ टायर चेंजर, वेट ऑफ इक्विपमेंट टोटल कितना है, कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोलिक टायर चेंजर में, और डायमीटर क्या है, जिस टायर को कितने बड़े टायर को हम जो है उस पर चेंज कर सकते हैं, ये उसके स्पेसिफिकेशन है। इसी में हमारे पास आगे आ जाता है ऑटोमेटिक टायर चेंजर। ऑटोमेटिक टायर चेंजर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो न्यूमेटिकली ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रिक न्यूमेटिकली ऑपरेट टायर चेंजर। इससे जो है हमारे पास एक टेबल होगा, टेबल के ऊपर हम जो है टायर को माउंट करेंगे। टायर को माउंट करने के बाद सारा काम बटन प्रेस करने के बाद वो अपने आप ही खुद कर लेगा। तो इसके अंदर इसके कुछ कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हैं, वो आइए देख लेते हैं क्या क्या। हमारे पास सबसे पहले है लॉक मूवमेंट, माउंट और डीमाउंट हेड लॉक्स ऑटोमेटिकली विद पुश बटन्स। टायर को जब हमने टेबल पे रखना है तो उसको लॉक करना पड़ेगा, तो वो बटन लगाएंगे और वो लॉक हो जाएगा। क्लैंपिंग जॉज, इट इज़ इक्विप्ड विद यूनिक 6-पॉइंट कॉन्टैक्ट क्लैंपिंग जॉज। टायर को जो सारी तरफ से पकड़ना पड़ेगा ताकि जो वो है टेबल से नीचे की तरफ ना गिर जाए। वॉल असेंबलीज, टर्न टेबल क्लैंप्स, क्रोजन रेजिस्टेंट ड्राइव सिलेंडर, ये सारे उस मशीन के पार्ट्स जो हैं, उसके इक्विपमेंट्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं उसके नाम है ये। बीड ब्रेकर, इट इज़ पावर्ड बाय डबल एक्टिंग रेजिन लाइंड एयर सिलेंडर फॉर लॉन्ग लाइफ, जिससे हम जो है बीड को अलग करेंगे। एक एयर फिल्टर और लुब्रिकेटर चाहिए जो कि हमारी मशीन को हमेशा जो उसके अंदर एयर जा रही है जो कि कंप्रेस हो रही है वो फिल्टर जाए ताकि डस्ट पार्टिकल्स ना आए। और लुब्रिकेटर चाहिए जहाँ जहाँ पे मूविंग पार्ट्स हैं वहाँ पे लुब्रिकेशन के लिए। और एक प्रेशर लिमिटर चाहिए ताकि ओवर प्रेशर की वजह से टायर को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो आइए देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है। इट इज़ न्यूमेटिकली ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिक मोटर इज कपल्ड विद एयर सिलेंडर्स टू डेवलप द एयर प्रेशर फॉर टायर चेंजिंग। फर्स्ट डिफ्लेट द टायर, देन प्लेस द टायर ऑन द टेबल ऑफ द मशीन। द टेबल इज अ सिक्स क्लैंप स्लाइड टेबल ऑपरेटेड बाय अ वर्टिकल एक्सिस एयर सिलेंडर, ठीक है जी। फिर उसके बाद द टायर इज क्लैंप्ड ऑटोमेटिकली ऑन टेबल एंड टेबल इज सर्कुलेटेड। द बीड ब्रेकिंग शू एंड कॉम्बिनेशन माउंट डीमाउंट हेड ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड बाय द कंट्रोल एंड टायर इज रिमूव्ड। ये अपने आप ही सारा का सारा काम जो है वो करेगा। इसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, एयर प्रेशर इज रिलीज्ड ऑटोमेटिकली बाय प्रेसिंग रिलीज वॉल्व बटन ऑन द कंट्रोल पैनल। और फिर हम उसके बाद जो टायर रिमूव है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये इसका एक बहुत सिंपलीफाइड सा डायग्राम है, तो आइए डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से जो है वर्किंग करेगा। ये हमारे पास ऊपर स्प्रिंग है, ये लीवर है जिसको हम प्रेस करेंगे ताकि वो जो टायर का ये जो सिस्टम है ये नीचे की तरफ लॉक हो जाए। ये मशीन का कॉलम है पूरा, ये वाला ये जो रेक्टेंगल है ये कॉलम है, ये वर्किंग बेड है, ये टेबल है, ये उसके जो सिक्स क्लैंप्स हैं ये वो क्लैंप्स हैं। यहाँ पे एयर प्रेशर के गॉज दिया हुआ है, प्रेशर लिमिटर। ये नीचे इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है और एक ये लीवर है जिसको हम प्रेस करेंगे जब ये काम फिर स्टार्ट करेगा। हम यहाँ पे टायर को इस तरह से माउंट कर देंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये जो स्पून टाइप शेप लग रही है ये यहाँ पे इसको लीवर को प्रेस करेंगे ये यहाँ से नीचे की तरफ सेट हो जाएगा। उसके बाद इस लीवर को जब हम प्रेस करेंगे तो ये मशीन ऑन हो जाएगी, टायर टेबल के ऊपर इस तरह से गोल घूमेगा, इस तरह से गोल घूमेगा स्लो स्पीड में। और ये जो हमारे पास ये जो पोर्शन है ये जो बीड है ये जो स्पून टाइप शेप है ये जो स्पून टाइप शेप है ये वो बीड को धीरे 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 करके 360 डिग्रीज घूमेगी और इसको पूरा रिमूव कर देगी। तो इस तरह से जो हमारा ऑटोमेटिक टायर चेंजर जो है वो हमारा काम करता है। ये इस तरह की कुछ मशीन होती है ऑटोमेटिक टायर चेंजर की। तो
ये हमारा था टॉपिक आज का, ऑटोमेटिक टायर चेंजर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।